हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं, किचन का सारा काम हो गया है ख़त्म, हस्बैंड जी गए अपने ड्यूटी और बच्चे गए स्कूल और सब लोग चले गए। तो बस उसके बाद लग गई हूँ मैं घर की क्लीनिंग में थोड़ी सी। बुधवार का दिन का ये वीडियो है, तो बिस्तर वगैरह तो सेट हो चुका है, आप देख ही सकते हैं सामने। और तकिए का कवर मैं निकाल दी हूँ धोने के लिए और बेडशीट भी चेंज कर दी हूँ। तो उसके बाद ही जब सब लोग चले गए तब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि और काम भी स्टार्ट की हूँ थोड़ा बहुत। तो काम मैं कर रही थी, पता है जब तक ड्यूटी ना चले जाने घर में सब लोग, तब तक फिर काम करने में अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि इधर उधर ये लोग चलते रहते हैं तो फिर झाड़ू पोछा करने में सही नहीं रहता है। तो जब ये लोग चले गए तो थोड़ा सा रुक करके ही मैं, मतलब कि तुरंत जाने के बाद झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा रुक गई थी 5-10 मिनट के बाद। और उसके बाद अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। और जो लोग भी चैनल पे न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में। आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें और फुल वीडियो देखा करें गाइस। तो उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। अगर वीडियो में कहीं कोई भी कमी होती है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताया करें ताकि मैं उसको सुधारूँ। और मैं तो अपने ख्याल से कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाने का, मगर आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं तो आप लोग मुझसे अच्छे से बता पाएंगे और अपना समझ करके जो भी होगा बता दीजिएगा। और अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दे रही हूँ अच्छे से। सुबह तो एक बार जब उठती हूँ ना तो किचन में जाने से पहले झाड़ू थोड़ा सा फेर देती हूँ, बासीपन हटाने के लिए झाड़ू फेरना पड़ता है। और जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद फिर एकदम अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ सब जगह झाड़ झूड़ करके। सीढ़ी पे भी झाड़ू लगा देती हूँ और पता ना, मतलब ये होता है ना कि डेली इतना धूल कहाँ से आ जाता है, डेली 2 टाइम कभी कभी तो 3 बार भी झाड़ू लग जाता है, पोछा भी लग रहा है फिर भी इतना गंदा होता है घर। अगर पोछा लगाने और झाड़ू लगाने बैठिए कभी भी तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा धूल या कूड़ा निकल ही जाता है, तो समझ ही नहीं आता है। समझ में क्या है कि रोड के किनारे घर है तो गाड़ी वगैरह चलते रहती है सारा दिन यहाँ पे, और बगल में ही मतलब एक घर छोड़ करके कब से ही काम लगा हुआ है तो धूल मिट्टी तो आ ही जाता है कि नहीं। और झाड़ू लगाने के बाद ही मैं डस्टिंग का काम करती हूँ ताकि जितना भी धूल मिट्टी थोड़ा सा गिरे तो गिरे, और उसके बाद मैं फिर पोछा लगा देती हूँ ताकि एक ही साथ सारा साफ हो जाए। और एक चीज़ से तो मैं एकदम से सच बता रही हूँ थक गई हूँ, डेली का ना यही हो गया, रोज़ का यही चिक-चिक है, थक गई हूँ मैं समझा करके बच्चों को कि यहाँ पे सामान ऐसे मत रखा करो। यहाँ पे मैं सोचती हूँ जो सामने का जो एरिया है एकदम साफ सुथरा रहे और खाली खाली रहे, ज़्यादा भरा ना है, इतना जगह है फिर भी बच्चे यहीं पे हर चीज़ रख देते हैं और मैं समझा करके थक जाती हूँ गाइस। तो अभी मैं शैम्पू का जो पैकेट था उसको उठा करके बाथरूम में रखी हूँ और अभी ऊपर भी देख सकते हैं आप टंग रहा है उधर, तो क्या कर सकते हैं। और बच्चे क्या, बड़े भी ऐसे ही करते हैं कि सामान उठाते हैं कहीं से और रख देते हैं कहीं और, तो वही कितना किसको समझा सकते हैं। और एक इंसान अगर चाहे ना कि पूरा घर साफ सुथरा रखे तो नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा तो सहयोग करना ही पड़ता है। अगर कोई इंसान ऐसा करे कि सामान उठा करके जगह पर रखे और थोड़ा बहुत उसमें, यही एक बहुत बड़ा मदद हो जाता है कि जब हम कहीं से सामान उठाएँ तो उसको वहीं रखे, जगह पर रख दे, थोड़ा सा साफ सुथरा रखे। घर तभी अच्छा लगता है जब साफ सुथरा रहे, चाहे घर अपना हो या किराए का हो, चाहे वो मिट्टी का हो या पत्थर से बना हो या किस संगमरमर से बना हो, मगर वो साफ सुथरा रहेगा तभी अच्छा लगता है। मिट्टी का घर में भी अगर लीप पोत दीजिए तो कितना सुंदर लगता है। तो ये चीज़ है कि सफाई बहुत ज़रूरी है, साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, रखना ही पड़ता है तभी घर में एकदम अच्छा लगता है। और अभी मैं क्लीन कर रही हूँ ना, एकदम साफ़ सुथरा रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, और जैसे ही बच्चे स्कूल से आ जाएंगे फिर वो ऐसे ही घर का सत्यानाश हो जाता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये लोग ना आते ही सारा सामान इधर उधर फैला देते हैं और बातें करते करते देखिए आधे कमरे में पोछा भी लग चुका है, थोड़ा सा और रह गया पोछा लगाने के लिए, मतलब कि कमरे में ही, बाकी तो ही पूरा फ्लोर पर बाकी ही है।
और डेली पोछा लगाइए फिर भी ऐसे पानी ऐसे लगता है कि एकदम जैसे मिट्टी घोला हुआ पानी निकल जाता है, पोछा लगाते लगाते काफ़ी ज़्यादा गंदगी निकलता है गाइस। और मैं हाथ से ही पोछा लगा ले रही हूँ क्योंकि वाइपर जो है वो फिर से टूट गया, अब मुझे नया वाइपर खरीदना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कब तक आएगा, जब भी आएगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि हाँ वाइपर आ गया है। तो ये मैं सारे जगह पे पोछा लगा लेती हूँ, आप इंजॉय कीजिए वीडियो। और घर की सारी क्लीनिंग हो गई है, बाथरूम भी क्लीन कर दी हूँ और उसके बाद मैं नहा करके आ गई हूँ, हेयर वॉश भी कर ली थी। एक दिन पहले ही मैं तेल लगा लेती हूँ, जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना रहता है ना बुधवार और संडे के दिन करती हूँ, तो उसी दिन एक दिन पहले मैं तेल लगा लेती हूँ बालों में। तेल बहुत ज़रूरी है बालों में, तो लगाया करें जो लोग भी नहीं लगाते हैं वो। और उसके बाद वही नहाने के बाद पूजा की हूँ और पूजा वूजा करके, और मशीन में पहले ही लगा दी थी। और ये मशीन में बस कपड़े नहीं है, जो जितने भी फेयरदान है ना घर में डोरमेट वगैरह वो सब मैं लगाई थी क्योंकि गंदे थे, तो ये धुल चुके हैं और सूख चुके हैं, मैं इसको निकालूंगी। और देख सकते हैं इधर चेयर पे रखा हुआ है कपड़ा ढेर सारा और नीचे भी रखा हुआ है, तो अभी सारा कपड़ा मैं लगा दूंगी मशीन में, ये धुलते रहेगा। और ये ऑटोमेटिक वाली मशीन का एक फ़ायदा है कि मुझे टेंशन नहीं रहता है, लगा देती हूँ और ये अपना काम करता था, मैं तब मतलब कि तब तक मैं और कुछ दूसरा काम कर लेती हूँ, यही एक फ़ायदा है इसमें। और ये जितने भी पैरदान हैं इसको मैं यहीं पे बालकनी में ही फैला दूँगी क्योंकि अब इतनी अच्छी खासी धूप निकल रही है कि यहीं पर सूख जाएगा, और पानी तो है नहीं इसमें, मशीन के सूखे हुए कपड़े हैं तो तुरंत भर में यहीं पर सूख जाएगा, तो यहीं पर फैला दे रही हूँ मैं। और अभी ना मैं यहीं पे बालकनी में ही बालों में कंघी कर लूँगी क्योंकि बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना कि मैं बालकनी में ही करती हूँ, अंदर कमरे में नहीं करती हूँ क्योंकि फिर ना पूरे कमरे में बाल बाल ही हो जाता है, तो डर लगता है कहीं खाने वाने में ना मिले। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं गाइस, अगर आप लोगों को कुछ भी इसका उपचार पता हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा, और नहीं तो मैं आगे भविष्य में आपको वीडियो में पूरी गंजी दिखाई दूँगी क्योंकि इतने ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। और अब जो है घर का सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं थोड़ा सा कुछ अपना काम करूंगी यानी कि सिलाई का। तो एक ब्लाउज बनाई थी उसमें मैं तुरपाई करूंगी, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत ये है कुछ काटना रहेगा कपड़ा तो वो काटूंगी, और सिलाई का काम या कुछ ना कुछ करते ही रहूंगी मैं। दोपहर में मैं यही करती हूँ, घर का काम ख़त्म होने के बाद मेरा यही रूटीन होता है अपना सिलाई वाला काम के लिए, टाइम मुझे इसी टाइम पर मिल जाता है। और वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम तो जो है थोड़ा देर बाद ही करती हूँ मैं, शाम होने से पहले। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, थोड़ा सा भी अच्छा हो तो लाइक करें शेयर करें, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।